और कल शाम से इतनी ज्यादा दर्द है ना मेरी टांगों में, मैं क्या बताऊं। तो आप लोग प्रे करना यार भगवान से कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। मम्मा ना देख ले नीचे से तो पड़ गई मेरे को डांट के। से मार्केट में तो मिल जाते हैं लेकिन उनमें ना ज्यादा स्वाद नहीं होता। कल हमारा फाइनली लास्ट दिन होगा रोपाई का, आपको कैसा लग रहा? हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। दोस्तों आज का व्लॉग ना भाई मैं बहुत ज्यादा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी ना शाम के 4 बज रहे हैं और कल परसों से मेरी हेल्थ ना धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। मतलब आज मेरे को ना सुबह से इतना ज्यादा बुखार आ गया था ना, मैं क्या बताऊँ यार आप लोगों को, बहुत ज्यादा मतलब ये टाइम ना बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। अभी रोपाई का काम भी कर रहे हैं घर वाले, देखो आज ना इधर लगे हैं नीचे घर वाले, तो मैं सुबह से इनके साथ थोड़ा सा काम करवाने नहीं जा पाया हूँ। बाकी सुबह से बारिश लगी थी तो कोई पापा ने 12 बजे के करीब आज बैल जो दे खेतों में, अभी देखिए पापा ने ये 2 खेतों बना दिए जो छोटे छोटे कल के बच गए थे ना, वो आज पापा ने बना दिए। और वो देखिए अभी विश्व रोपाई भी लगाने लगी और मम्मा सामने उधर काम कर रही है कुछ, और वो जो हमारे पेड़ गिरा था ना वो भी नहीं उठाया यार। से पेड़ गिरा ना तब से बारिशों ने हद करके रखी थी, मतलब सूखने ही नहीं दिया खेत, तो उठाते कहाँ से हम लोग। पहले ना हम इधर भी रोपाई लगाते थे लेकिन इस बार हमने इधर मक्कियां बो रखी। क्या सुबह से बारिश हो रही थी तो अभी थोड़ा मौसम साफ हुआ है जाके, लेकिन अब ना आपको ऐसा ही मौसम देखने को मिलेगा ज्यादातर हमारे पहाड़ों में, क्योंकि अब 1-2 महीने लगातार ऐसे बारिशें होंगी, कभी धूप होगी कभी बारिशें। सही है इस बार मक्कियों की फसल भी ना सही है, मतलब टाइम के हिसाब से ना सही चल रही मक्कियां, मत देखो ग्रोथ सही है मक्कियों की। तो चलिए चलता हूँ यार घर, क्योंकि बारिश पड़ना शुरू हो गई, अगर मैं भीग गया ना तो फिर मेरे को और ज्यादा बुखार आ जाएगा, फिर अगर एक बार बुखार बिगड़ गए ना मतलब तो फिर ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को, तो इससे अच्छा है यार अपनी हेल्थ देखो सबसे पहले, काम कुम तो चलता रहेगा, मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये काम खत्म हो जाएगा। अगर एक बार बुखार बिगड़ गए ना तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो चलो चलते हैं यार घर, और कल शाम से इतनी ज्यादा दर्द है ना मेरी टांगों में, मैं क्या बताऊं यार आपको। बाकी देखो कितना ज्यादा कीचड़ हो रहा है यार। और इस बार ना आड़ू के पेड़ पे यार बहुत ज्यादा आड़ू हो रहे हैं, तो चलो एक आड़ू खाते हैं। हूँ तो बीमार ही लेकिन क्या करूँ यार, अगर घर वालों ने ये व्लॉग देख लिया ना तो मेरे को वही डांट पड़ने की है। इसी वाली इस पे जाए या इस वाली पे खाएं यार, क्योंकि उस वाली पे ना पक रहे हैं आड़ू, तो उस वाली पे चलते हैं। मम्मा ना देख ली नीचे से तो पड़ गई मेरे को डांट फिर। ये वाला पक रखा है, ये देखिए दोस्तों पूरा पक रखा भाई, ऐसे दबरा लेकिन ज्यादा ही पका है, ये नहीं खाऊंगा इसको फेंक देता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको खाता ना तो बहुत ज्यादा मीठा होता है, तो मैं थोड़ा कच्चा कच्चा खाऊंगा। हाँ ये वाला सही है, ये सही है थोड़ा थोड़ा कच्चा। भाई आड़ू का जो स्वाद है ना वो डायरेक्ट अगर पेड़ से तोड़ोगे ना आप लोग तो स्वाद आता है खाने में, ऐसे मार्केट में तो मिल जाते हैं लेकिन उनमें ना ज्यादा स्वाद नहीं होता। वाह, मतलब एक तो फ्रेश है ये देखो पूरा, और ऊपर से इतना ज्यादा मीठा हो रहा ना, एक और खाऊंगा अब वो मैं उधर से तोड़ूंगा ऊपर से। अब मेरे को आता तो नहीं है यार पेड़ पे चढ़ना लेकिन क्या करूं। ये देखो ये ना ऐसे हो रखे यार पक्के ना पूरे, मतलब टूट रखे। भाई मैंने सोचा सांप आ गया, ये हिल रहा था क्योंकि आड़ू के पेड़ पे ना ज्यादा ही सांप होते हैं। ये कैसा हो रहा भाई, ये नहीं खाऊंगा छोड़ो इसको। एक ये मिल गया मेरे को पक्का, बस करते हैं 2 ही खाते हैं यार, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो पेट दर्द करते हैं ज्यादा यार आड़ू। ये 2 खाऊंगा मैं सिर्फ। इस वाले पेड़ पे ना अभी थोड़े थोड़े कच्चे आड़ू हैं, लेकिन जिस पेड़ पे मैं लाया ना नीचे से उस पे बहुत ज्यादा पक रहे हैं आड़ू, और एक पेड़ उधर है उधर के बाद में पकेंगे वो। हाँ बिल्कुल साफ। तो अभी जो है ना दादी पशु लेके भी आ गई है, तो चलो दादी के साथ पशु बंधवाते हैं। और मम्मा और तो सब नीचे ही हैं यार, तो मेरे को ही बंधवाने पड़ेंगे, अभी ऊपर है और बकरा ना सीधा भाग गया यार नीचे, वो देखिए उधर भाग रहा, अगर इधर से चला गया ना फिर न्याने का ये हाथ। तो दोस्तों कल हमारा फाइनली लास्ट दिन होगा रोपाई का, तो कल तो मैं भी जाऊंगा यार काम करवाने। और दादी ना अभी इसकी टांग बांध के लेके जाती है, लेकिन आज दादी ने इसकी टांग नहीं बांध रखी तो आज सीधा ही फसल में आया, अगर इधर मैं नहीं रोकता ना तो सीधा ही मक्की खाता नीचे जाके। चल वे मारूंगा, चल चल ओ भाई कहाँ आ रहा है, मारने को आ रहा ऊपर। अभी इधर से ना भागी नीचे की तरफ, भाई भाग गया नीचे, चले ले 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 अबे पीछे हो जा, प्यार से पकड़ रहा हूँ ना तो प्यार से चल ले भाई, चल चल ओए। और ये देखिए हमारी मम्मा जी भी आ गई। मम्मा कितने दिन का काम है, आपको कैसा लग रहा? अच्छा,
बकरियां बकरियां तो मैंने सारी बांध दी दादी, पशु ना ऊपर रोक के रखे हैं दादी ने, क्योंकि आज ना सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो कोई एक बजे के करीब दादी ने पशु खोले, तो अभी इसीलिए दादी थोड़ी चरा रही। फिलहाल अभी जो है ना रात के यार 9 बज गए और इतनी ज्यादा सेहत मेरी खराब हो गई ना, अभी इतना ज्यादा बुखार हो रहा है ना मेरे को। और देखो मम्मा ने मेरे लिए चावल फ्राई करे हैं, लेकिन बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं है यार। तो चलो यार खाना तो पड़ेगा ही, अब क्या करूं, अगर नहीं खाऊंगा ना तो सेहत और ज्यादा वीकनेस मेरे अंदर आ जाएगी, फिर मैं उठ ही नहीं पाऊंगा कल तक। अभी सर भी इतना भारी हो रहा, टांगों में दर्द हो रही, मतलब हर जगह जहाँ पे जोड़ है ना हड्डियाँ उधर उधर दर्द हो रही बहुत ज्यादा। बाकी दोस्तों आप लोग प्रे करना यार भगवान से कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं।